दोस्तों, ये मैंने फ़ोटो एडिटिंग ऐप से एडिट करके प्रिंट आउट निकाला है। दोस्तों, अब ये जो हम साइड में किनारे देख रहे हैं, बस हम इनको छोड़कर बाकी की कटिंग कर देंगे। और अब हम इस प्रकार से इसे बहुत ही हल्के हल्के से दबाएंगे ताकि ये अच्छे से मुड़ सके। ज़्यादा प्रेस नहीं करेंगे, बहुत ही हल्के से प्रेस करेंगे। दोस्तों, हमें इसके किनारे को बहुत ही अच्छे से प्रेस करके दबाना है ताकि हमारा लैंप अच्छे से बन सके, क्योंकि अगर ये सही से नहीं मुड़ेंगे तो सही से चिपकेंगे नहीं, और सही से नहीं बन पाएगा तो हमारा लैंप पूरा ख़राब हो जाएगा। अब इसके किनारों पर हम ग्लू लगाकर एक एक करके इन्हें चिपका देंगे। दोस्तों, मैंने इसके सारे खानों को चिपका दिया है, बस एक को छोड़ दिया है ताकि अच्छे से चिपकाने के लिए हमें जगह मिल जाए।
दोस्तों मैंने इसके एक खाने में प्रकार से छेद कर कर उसमें से इसके दोनों तार निकाल दिए हैं। अब मैं इसके आखिरी खाने को भी चिपका कर बंद कर दूंगा। ये मेरे पास पुराना मोबाइल का चार्जर पड़ा हुआ है, मैं इसको इसी से डायरेक्ट चलाऊंगा बिजली से। आप इसे बैटरी से भी चला सकते हैं।